हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम बहुत ही बढ़िया जो है डेजर्ट बनाने जा रहे हैं, ये है शाही कुल्फ़ी। ये देखिए, मैंने ये 1.5 लीटर दूध लिया है, ठीक है। ये दूध मैंने, ये देखिए आप, निशान दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर तक था यहाँ पे, ये कड़ कड़ के बिल्कुल, आपको इसको कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं बनने में। तो आपको इसको हिलाते जाना है ऐसे, और ताकि ये देखिए ये ऐसे रबड़ी टाइप जितनी आएगी ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये जो मलाई जैसे आती रहेगी, ये आपको ऐसे निकालते जाना है और आपको इसको ऐसे मिक्स करते जाना है, ठीक है। अभी ये मैं आपको बताती हूँ, 1.5 लीटर में है, तो जब इसका ये दूध है जो आधा ना हो जाए, तब तक आपको इसको काढ़ना है। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए, हमारी अभी जो कुल्फ़ी का जो मटेरियल है बिल्कुल रेडी है बनके। अभी इसमें जो है, मैं ये मिल्क मेड लिया है, ये मैं आधा टिन मैंने इसमें डाला है, ठीक है। और इसमें मैंने बादाम जो है जो भिगो के इसको मैंने पील करके लंबा लंबा, देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, कितनी एकदम रबड़ी की तरह, ठीक है। ये बिल्कुल रेडी है। अभी इसमें और ड्राई फ्रूट्स डालूंगी मैं, ठीक है। इसमें आप काजू, पिस्ता, किशमिश, जो आपका मन है आप डाल सकते हैं। और इसको सांचों में हम फिल करेंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे और ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए, मैं अभी जो है, जब ये अभी मैंने मिल्क मेड इसमें डाल लिया है, अभी मैं ये देखिए, ये 4 से 4-5 इलायचियाँ जो है, आप इसको थोड़ी सी कूट के, दरदरी कूट के आप इसमें ये भी ऐड करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, मैंने थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश, पिस्ता और बादाम, मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें भिगो के छिल के, ये देखिए मैंने ऐसे डाल लिया। और ये इलायची पाउडर भी डाल लिया, ये देखिए ये बादाम डाल लिए। बस इतनी कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए कुल्फ़ी में जमाने के लिए। बिल्कुल देखिए, दरदरी रबड़ी मलाई टाइप आपको ये रेडी हुई है, बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी मैं ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ और सांचों में भर के दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे पास इस तरह के सांचे हैं जो मैं, ये हम कुल्फ़ी बनाने के लिए डालेंगे। अब इसमें मैं फिलिंग करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपको इस तरह फिल कर लेनी है। ठीक है, अब हम इसको ऊपर से ऐसे ये ढक्कन लगा देंगे बिल्कुल। अभी हमें इसी तरह, मैं ये सारे सांचे भर लूँगी मेरे पास जो है, अभी जो है मैं इसको फिर फ्रीज़र में रख दूँगी 1-4 से 5 घंटे के लिए, ये बहुत बढ़िया जम के रेडी हो जाएगी।